ऑलराइट भाई, आपको पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट सेल खत्म हो चुकी है और अब भाई अगर आपका बजट 30,000 रुपये करीब है तो भाई दो बेस्ट फोन आते हैं, तो दोनों में से कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE विद 888 वाला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का जो न्यूली लॉन्च हुआ है फोन, और उसी के साथ में मोटोरोलो एज 40। तो दोनों का ही डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। 30,000 का अगर आपका बजट है तो भाई डेफिनेटली ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो सैमसंग आपको देखने को मिलेगा 32,999, और वहीं आपको देखने को मिलेगा मोटोरोलो 27,999, या फिर बैंक डिस्काउंट लगाओगे तो ये 27,000 के करीब देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं दोनों ही फोन्स के अगर डिस्प्ले की बात करूं तो जो आपको सैमसंग है वो 6.4 इंच फुल HD प्लस 120Hz की एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देता है, मतलब आपको मोटोरोलो से काफी मच बेटर डिस्प्ले जो है वो आपको सैमसंग में देखने को मिलेगी। मोटोरोलो में आपको कर्व डिस्प्ले देखने मिलती है 144Hz की फुल HD प्लस 6.5 इंच की। तो यहाँ पे भाई कर्व डिस्प्ले अगर आपको पसंद है तो मोटोरोलो ज्यादा बेटर रहेगा। बट तो सैमसंग की डिस्प्ले जो है, जो ब्राइटनेस है, जो आपको क्वालिटी मिलती है, वो आपको मच बेटर मिलेगी। और भाई उसी के साथ में सबसे मेन चीज कैमरा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सैमसंग देता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, 12+12+ 8 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, और वहीं आपको देखने मिलता है मोटोरोलो में 50+13 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो भाई यहाँ पे आपको देखा जाए तो मच बेटर जो कैमरा है वो आपको हर चीज में, वीडियो, फोटो, सेल्फी, पिक्चर्स, हर चीज में जो है वो सैमसंग के जो पिक्चर्स है, सैमसंग के जो वीडियोस है, वो आपको बेटर देखने को मिलेंगे। वहीं भाई अगर दोनों ही फोन्स के बैटरी की बात करूं तो 4500mAh की बैटरी के साथ 25W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, पर चार्जर साथ में आपको सैमसंग में नहीं मिलेगा। बट वहीं बात करूं तो आपको 4400mAh की बैटरी, 68W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है मोटोरोलो, और चार्जर भी आपको साथ में देखने को मिल जाएगा। और भाई जो सबसे बड़ा चेंजेस है सैमसंग वो है प्रोसेसर। तो अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर, इस बार पर हीटिंग काफी अच्छी कंट्रोल की है, उसी के साथ में 12 5G bands और 7.5 लाख स्कोर देखने को मिलते हैं। वहीं यहां पे डायमेंसिटी का 8020 का प्रोसेसर 14 5G bands और 7 लाख एंटू स्कोर देता है। तो भाई मच बेटर कहूंगा मैं, क्योंकि भाई एक डायमेंसिटी का मीडियाटेक का प्रोसेसर, एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, वेल ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो अगर आपको भाई डेफिनेटली गेमिंग, कैमरा, हर चीज में जो प्रोसेसर है वो, हर चीज में जो कैमरा है, हर चीज, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, IP रेटिंग, वो आपको सैमसंग में बेटर मिलेगी। उसी के साथ में भाई कुछ अदर फीचर्स की बात करूं तो इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको दोनों में मिलेगा, IP रेटिंग, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, और एक जो डिफरेंस वो आपको बता देता हूं, डुअल सिम आप लगा सकते हो यहां पे सैमसंग में, बट मोटोरोलो आपको सिंगल सिम के साथ में एक ई सिम का सपोर्ट देता है, मतलब एक ही सिम लगा पाओगे, दूसरी सिम आपको ई सिम लगानी पड़ेगी। और उसी के साथ में भाई सैमसंग चार्जर नहीं देता, लेकिन मोटोरोलो आपको साथ में चार्जर देता है। तो भाई ये जो सैमसंग का S21 FE है, ये अगर आपको 35,000 रुपए से नीचे मिलता है तो भाई डेफिनेटली एक वन ऑफ द बेस्ट डील रहेगी। अगर आपका बजट है तो भाई 32,000-33,000 में ये सैमसंग का फोन बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप 25,000 वाली ये वाली वीडियो देख सकते हो, जहां पे आपको बेस्ट डील्स बता रखी है। इन दोनों फोन में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा सैमसंग S21 FE विद 888 जो प्रोसेसर है वो एक्सिनोस वाला भाई मत लेना, ध्यान रखना। गलती से भाई कुछ लोग एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ में ये फोन ले लेंगे, सेम नाम से सेम डिजाइन के साथ में दो फोन है, जो एक एक्सिनोस का प्रोसेसर देता है और एक स्नैपड्रैगन का। एनीवे भाई इतना ही था इस वीडियो में, जाते जाते अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।